हमने उनके दरवाजे में इतने धक्के लगाए, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बहुत धक्के मारे। और ऊपर से वो नवजोत डॉक्टर हैं जो, इतनी बदतमीज है वो डॉक्टर, उसने इतनी गंदी गंदी गाली दी इनको, है उंगली से इधर यहाँ से जाओ, कैसे आवाज़ें लगा रहे हो, यहाँ मारो, कैसे आवाज़ें लगा रहे हो बदतमीज जो। बस गुस्सा तो बहुत आया पर मैं कुछ कह नहीं सकी, इतनी गंदी बदतमीज हो रहा था वो। एक तो गलती की मेरा हस्बैंड अंदर बंद करा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने क्या कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर आलन दिखा दो एक बार, कुछ भी नहीं चाहिए मैंने। और बताओ दिखाया नहीं, 2 घंटे हम उनके दरवाजे में बैठे बैठे रोते रहे, उन्होंने दिखाया नहीं। पुलिस आई, पुलिस भी अकेले अकेले अंदर गई, क्यों नहीं दिखाया, वो सीरियस था अंदर, इस करके उन्हें दिखाया नहीं, वो सीरियस था अंदर। वो मतलब कुछ तो मारा, कुछ एकदम डर के मारा, उनको अटैक आ गया। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के सेक्टर 9 चौकी की। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कई लोग चोटिल हुए हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधी इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया, कैसे चोट लगी है आपको? सर हमारा एक ये मेरे रिश्तेदार के भाई है जी, मेरे जीजा के, इनका एक तलाक का केस था जी, जो हमने एडवोकेट संदीप को दिया था जी, जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल में ही रहता है, वही उनका ऑफिस है जी। अच्छा। तो वो केस देने के बाद जी उसने हमारा केस चलता रहा है जी, 2017 से अब तक जी केस चलता रहा है जी। हमने उसकी जितनी फीस थी वो भी दे दी जी, फिर वो पानीपत आना जाना उससे नहीं हुआ, उसने अपना दूसरा वकील दिया, भाई ये मेरा ही वकील है, इसको कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये आपकी तारीख पर आया करेगा। तो वो बीच बीच में हमसे फिर भी पैसे लेता रहा है जी, 20,000 रुपये उसके पास चले गए जी। तो इन बिटवीन आगे से लड़की वालों ने वो दहेज में वो डाल दिया जी, हमारे पास जो खर्चा पड़ता है लड़के पे जी, वो लड़के पे खर्चा पड़ गया जी। उसके लिए उसने बोला भाई खर्चा इतना आ रहा था, इकट्ठा हो गया कोरोना के काल के दौरान, इतना खर्चा इकट्ठा हो गया, तुम मेरे को 70,000 रुपये दे दो, जिसकी रिसिप्ट थारे को मिल जाएगी, ये जो पिछले महीने 11वें महीने में ही जी तारीख थी, अब भाई तारीख ख़त्म होते ही आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। हमने उसने हमारे से 70,000 रुपये मेरे जीजा से ले गया जी। ले जाने के बाद तारीख पिछले महीने की लग ली जी, उसने कोर्ट में जमा नहीं कराए, मारे को बोले मैं रसीद दे दूंगा, नहीं जमा कराया जी। लड़के के वारंट निकल गया जी, वारंट निकलने के बाद हमारे पास पुलिस आई जी घर पे, मैंने संदीप को फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं जी एडवोकेट ने। उसके बाद मैंने उनके ब्रदर को सुनील पवार जी को फ़ोन किया जी, अक्सर मखा जी ऐसे ऐसे करके बात हुई है जी, और ये बात है जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं जी। उसने बोला आप संडे को मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे मीटिंग कर लेता हूँ, और अपने जीजा को और भाई को ले आना। मैंने कहा जी और किसी को आंटी मेरे मौसा या किसी को लेके आने को किसी की कोई ज़रूरत नहीं। उसने हमें आज बुलाया जी, तो आज मैं उनके पास 11 बजे पहुंच गए जी, हम बैठ गए जी। हमने बोला डॉक्टर साहब से मिलना, डॉक्टर साहब को जैसे ही ऊपर बुलाने गए जी वो, तो डॉक्टर साहब बोले 15 मिनट में रोको उनको। हम बैठ गए जी, बैठे रहे जी। जैसे ही डॉक्टर साहब सुनील पवार ऊपर से आते हैं, आते ही मैं जैसे बिल्कुल दरवाजे के साथ ही बैठे थे चेयर पे जी, उसने मेरे को थप्पड़ मारा जी पूरी जोर के, और बोला साले चमार बहन चो, तो थारी इतनी औकात कि तुम हमारे से ही वो कर रहे हो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने क्या बात कर दी जी, आप ये ऐसी गलत लैंग्वेज का यूज़ क्यों कर रहे हो, चमार ये हमारे को इतना वो क्यों कर रहे हो हार्ट इतना। कहते ही मेरा जीजा बीच में आया, उसको मारा जी। इतने में संदीप उसका भाई आ गया, उसने मारा जी। प्यार लड़के खड़े थे 10-12, उन्होंने गेट बंद कर दिया, बोलो डॉक्टर साहब ने बोला गेट बंद करो। इतने में उनकी मिसिज डॉक्टर नवजोत आ गई जी, उनको मारो इनको सालों को चमारों को, मारे को इतना मारा है जी, इतना मारा है। गेट बंद करके जैसी मार पटाई के दौरान मेरे जीजा को ज़्यादा मारने की बजाय छाती में मुक्के मारे जी, तो मेरे जीजा को अटैक आया, वो वहीं पर गिर गया जी। वो देखने लगे भाई ये क्या हो गया, उसमें मैं इतने में ही मौका पाके गेट खोल ज़बरदस्ती खोल के भागा, और मेरे पीछे वो गुंडे जो उनके रखे हुए गुंडे थे वो मेरे पीछे सड़क पर सुशील के पीछे काफ़ी दूर तक भागे। वहाँ के लोगों ने देखा जी, सब ने देखा जी, वहाँ के कैमरों में भी आई जी। वो डॉक्टर बोल गया मेरा CCTV अब काम नहीं कर रहा है, आप भी बताइए जी हमारा क्या कसूर था। उसने हमें मतलब हम एक तो फरियाद लेके गए, हमें उल्टा मार पिटाई करी जी, हमारे साथ इतने जाति सुजग चमारो बहन चौथ चमारो, मैं आपके सामने कैमरे में बताना नहीं चाहता जी, हमारी बरादरी का कितना अपमान किया जी, हमें बहुत ज़्यादा हार्ट किया जी, इतनी पिटाई करी जी। हमारा एक पेशेंट सीरियस है जी, जो पहले उन्होंने अपने पास एडमिट रखे, उसके बाद वो कल्पना चावला में गया जी, अब वो सीरियस है। कल्पना चावला से भी उनको जवाब दे दिया कि भाई इनको अटैक आया, इनको कहीं और दिखाओ, दूसरा भी आ सकता है जी। आप बताइए जी गरीब आदमी की क्या वैल्यू है जी। तो केस किसका चल रहा था? केस मेरे जीजा के छोटे भाई सुशील का। आपका आपके ब्रदर का चल रहा था? मेरा चल रहा था। आपका चल रहा है जी। अच्छा, क्या था ये मामला? बस यही था, मेरा केस चल रहा था पानीपत, ये संदीप वकील किया था हमने, ये करनाल से है। ये बोला भाई मेरे पे तो अप डाउन होने का नहीं, मैं पानीपत से दूसरा वकील करवा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद चले गए, केस चलता रहा। जो इसकी करनाल वाले संदीप की थी, जो फीस हमने दे दी थी, ये फिर मेरा खर्चे का केस चल रहा था, लड़की का जो खर्चा देते हैं ना उसका केस चल रहा था। फिर हमने संदीप पवार है जो, इसको 70,000 रुपये दे दिए थे पिछले महीने, भाई सब जमा करवा दिए। वो बोला चल मैं जमा करवा दूँगा, रसीद दे दूँगा आपको, ना कोई रसीद दी अभी तक, जमा नहीं हुए, पैसे जमा नहीं करवाए, वारंट हो गए मेरे। कल पुलिस आई थी मेरे घर पर, भाई तुमने 70,000 रुपये जमा नहीं करवाए, भाई तेरे वारंट हो गए। हम बोले भाई हमने तो संदीप पवार को वकील को दे दिए थे। फिर वो बोले नहीं हमारे पास तो कोई पैसे नहीं आए, तेरे वारंट लिखट गए। इस मुकदमे में हम तो बस उसके पास फ़ोन किया संदीप के पास, भाई बातचीत करने के लिए। फिर हमने विकास के पास किया, फिर इसने संदीप के पास फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। ये विकास फिर उसके भाई के पास गया फ़ोन करके, उसने बोला भी संडे को आ जाओ आप बैठ के बात करते हैं। फिर हम यहाँ पर करनाल आ गए, बैठ के उसके घर आ गए, फ़ोन करके बैठ गए। हम तीनों बैठे थे वहाँ पर, 15 मिनट बाद की बैठ की तो आया डॉक्टर साहब, आए बोले भाई क्या बात, भाई हमने बात की, मगर डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है। पर्दे इस विकास को उसने थप्पड़ मारा, सुनील डॉक्टर है जो, उसने थप्पड़ मारा, भाई बहन जो तुम चमार हमारे बैठने के लायक हो गए क्या, हम तुमसे बात करेंगे क्या, ये अजाति सूचक शब्द बोले हमको। बूढ़ी अटैक मेरे भाई को आया, बड़े को। उसको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? वो कल्पना चावला हॉस्पिटल में था अभी। अच्छा, वहाँ से उसको जवाब मिल गया, वहाँ से उसको जवाब। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं, यही वो शख्स है जिसका दहेज का केस चल रहा था और केस जाता है संदीप के पास, जाता है केस तो संदीप के पास केस जाता है, जो कि एडवोकेट हैं और उन्हीं के ब्रदर हैं जो डॉक्टर हैं। कौन से किस नाम से अस्पताल है? जीवन ज्योति अस्पताल। तो आप देख सकते हैं गंभीर आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और करनाल के ही सेक्टर 9 चौकी में शिकायत जरूर दे दी गई है। कुछ एक महिलाएं भी हैं, आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से काफ़ी महिलाओं की भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। बहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये वाकया? ये सुबह गए थे उनके पास बात करने, ये तो नॉर्मल बात करने गए थे कि भाई 4-5 साल हो गए, अब तो भाई हमारा फैसला करा दो, और ऊपर से जो हम उसको मतलब खर्चे के पैसे दे रहे हैं ना, वो भी अपने घर में ले आता, वो उनको जमा नहीं करवाता आगे। तो जैसे हमारे मतलब कल हमारे घर पुलिस आई, वो बोल रहे आपने तो एक पैसा भी नहीं जमा कराया। तो हम उसकी बात करने आए थे कि भी आपने आगे पैसे क्यों नहीं जमा कराए, तो हमारी कोई गलती तो नहीं है, तो पूछने का फ़र्ज़ तो है। तो जैसे यहाँ आए बात करने, तो नॉर्मल बात करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बुलाए थे, वो पहले ही तैयारी में थे। जैसे ही वहाँ बैठे, वो ऊपर से आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, भाई मतलब वो कहाँ है बात करनी, भाई पैसे ले लिए और बात क्यों नहीं करते। वो जब वो हमारे वकील है, वो कहते वो नहीं, उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू किए, और जो वहाँ पे जो वो कंपाउंडर जो भी उसके उसमें हॉस्पिटल में लगे, उन्होंने सारों ने उनको मिलकर मारा। और जैसे ये मारना शुरू किया, मेरे हस्बैंड वहाँ गिर गए मतलब नीचे, तो वो उसको देखने लगे, ये एकदम दरवाज़ा खोल के भाग गए, और इनके पीछे फिर वो लड़के भाग गए। हमारे वहाँ जो बसत बिहार में है ना, तकरीबन सारे हमारे गाँव के हैं, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, बताया कि भी उधर ऐसे ऐसे हो रहा है, वो पता नहीं क्यों भाग रहे, उनके पीछे लड़के भाग रहे, हमने ना चप्पल भी नहीं पहनी, चुन्नी भी नहीं ओढ़ी, हम ऐसे ही भाग गए। तो ये आए, फिर ये पीछे हमारे, हमने उनके दरवाजे में इतने धक्के लगाए, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, बहुत धक्के मारे। और ऊपर से वो नवजोत डॉक्टर है जो, इतनी बदतमीज है वो डॉक्टर, उसने इतनी गंदी गाली दी इनको, है उंगली से इधर यहाँ से जाओ, कैसे आवाज़ें लगा रहे हो, चमारो कैसे आवाज़ें लगा रहे हो बदतमीज जो। बस गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं कुछ कह नहीं सकी, इतनी गंदी बदतमीज हो रहा था वो। एक तो गलती की, मेरा हस्बैंड अंदर बंद करा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने क्या कुछ नहीं चाहिए, मेरा गड़ालन दिखा दो एक बार, कुछ भी नहीं चाहिए मैंने, और बताओ दिखाया नहीं। 2 घंटे हम उनके दरवाजे में बैठे बैठे रोते रहे, उन्होंने दिखाया नहीं। पुलिस आई, पुलिस भी अकेले अंदर गई, क्यों नहीं दिखाया, वो सीरियस था अंदर, इस करके उन्हें दिखाया नहीं, वो सीरियस था अंदर। मतलब कुछ तो मारा, कुछ एकदम डर के मारा, उनको अटैक आ गया, ये बात हुई। और अभी इंजर्ड कौन है, जख्मी कौन है? मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है उनका? मुकेश। कहाँ रहते हैं? वैसे तो अर्शंकुरा में रहते हो, यहाँ मतलब वकील यहाँ करनाल से किया था हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक डॉक्टर और एक वकील पर बहुत ही गंभीर आरोप लगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें जी। पता क्या जी, जैसे उन्होंने अंदर रोक लिया ना हमें गेट बंद करके, पता क्या बोलता है, मैं कांग्रेस का नेता एमएलए के मैंने इलेक्शन लड़ रखे, मेरी सोनिया गांधी तक पहुंच, ठीक है तुम मेरा क्या पाड़ लोगे चमारो, गेट बंद करो और पुलिस के पास पहले फ़ोन कर दो। इन्होंने हॉस्पिटल में आके ये बदतमीजी की है, और उन्होंने हमारे पूरी मतलब हमें फंसाने के लिए गेट बंद भी कर लिया जी, यार हमें छेता भी एलिगेशन भी मारे लगा दिया। ये बोला डॉक्टर सुनील पवार तुम मेरा कुछ नहीं पाल सकते, उसकी घरवाली भी जी, और सुनील और संदीप और उसकी घरवाली ने हमारे छाती में मुक्के मारे जी, तभी हमारा सीरियस होया। और जो वो बोल रहे हैं ना हमें लाठी डंडों से पीटा, हमारे गांव से लेके जी उसके हॉस्पिटल तक कैमरे, काफ़ी दुकानों पे कैमरे लग रहे जी, सीसीटीवी में सारी फुटेज आएगी। उन्होंने सीसीटीवी बंद कर दिया कि हमारे सीसीटीवी चल नहीं रहे। अब जवाब देके उनके सीसीटीवी लगे थे वो मुकर गए। अब बताइए जी हमारी क्या गलती है। वहाँ से यहाँ से लग तय दिल से अगर प्रशासन जाँच करेगा नहीं जी, बिल्कुल ही सीरियस ही उनको सारा दूध का दूता में कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। प्रशासन से बस यही अपील है जी, ये हमारे को इंसाफ दिलाए। तो शिकायत फोन आया था, फोन पे इन्होंने बताया कि वकील साहब के पास हमारा केस है और उस केस का अभी ये है कि लड़की की तरफ से कोई शायद कोई खर्चे का था, तलाक का, मुझे पूरी बात नहीं पता। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात है तो आप एक बार वकील साहब से, मैं कहा यार बात करवा दूंगा तुम्हारी आपस में। बोला जी 30,000 में हमारी बात हुई थी, फीस जो थी 30,000 हमने दे दिया। अब जो दूसरा वकील कराया है वो हर बार जाते हैं तो 500 रुपये मांग लेता है। मैं कहा यार वो तो वकील साहब उनको बोल देंगे या मैं बोल दूंगा तुम आ जाना, और वकील तो अपनी फीस मांगते हैं स्वाभाविक तौर पे। मैं कहा फिर भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, कोई गरीब आदमी होगा तुम आना। परसों इनमें से एक साथी मेरे पास आया, मैंने उसको चाय पिलाई, चाय पिला के वकील साहब को फ़ोन किया तो वकील साहब बोले मैं बाहर हूँ, कल बुला लो। कल मैंने इनको फ़ोन किया आप आ जाओ, कल ये लोग नहीं आए, बोले जी हम तो बाहर हैं और हम तरीके से आएंगे भाई, हम अपना पूरा इंतजाम करके आएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अब मुझे थोड़ी पता था कि ये इंतजाम करके आएंगे। अब आज ये शेर के पट्टे जो पूरा लाठी डंडे के साथ आगे, ऐसा कौन सा आप बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा ही अंदर आके मारपीट की। हमारा साथी वो रमित है, वो वहाँ पे यहीं बैठा, रमित को बुलाना एक बार। रमित के आप कमर पे आप निशान देखो लाठियों के, हाथ पे देखो लाठियों के निशान। वो कह रहे हैं उल्टा वकील ने और डॉक्टर ने और कंपाउंडर ने उनको मारपीट की। भाई साहब अगर मारपीट हम करेंगे, इतने लोग मारपीट करेंगे, एक आदमी जिसका हम इलाज कर रहे हैं यहाँ पे तो उसके साथ भी तो मारपीट करेंगे भाई। वो तो हमने पकड़ ही लिया, वो तो हमने पास रख ही लिया, मारपीट करने थे तो हम खूब ज़्यादा उसके साथ भी मारपीट। तो क्या ज़्यादा चोट है, किस चीज़ का इलाज किया गया, क्यों? क्योंकि इलाज ये था, उसको कोई चोट नहीं है। जब वो दो लोग वकील साहब के पीछे भागे और मेरे स्टाफ ने एक आदमी को जब पकड़ लिया तो डर के मारे उसको लगा कि भाई मैं चिल्ला भी रहा हूँ पुलिस को फ़ोन करो, उसके दिमाग में ये है कि यार मेरे ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। मतलब ही डिडंट एंटर्ड माय हॉस्पिटल एज ए पेशेंट, ही एंटर्ड इन माय हॉस्पिटल एज ए क्रिमिनल। अब वो क्रिमिनल का तो फिर यही हाल हुआ ना। कल्पना चावला में भर्ती के लिए ले जाएगा, इसको क्यों इतना भर्ती के लिए नहीं लेके जाएगा, वो मैं आपको स्पष्ट कर, पुलिस ले गई उसको। मैं फिर बता देता हूँ, मैं उसको उसके पेरेंट्स के या उसके परिवार वालों को स्पुर्द इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। उनका ये भी पता नहीं कि उसी को कुछ छुरा मार के नाम मेरा लेते हैं कि भी डॉक्टर ने छुरा मार दिया, उसको पीट के बोल दें कि निशान जो है ये डॉक्टर ने किए हैं। तो इस करके जो है मैंने खुद पुलिस को बुलाया, मैंने खुद पुलिस को कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पेरेंट्स को तो मैंने कहा ठीक ठाक है वो। मैंने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है, उसके पैरामीटर्स जितने, उसका बीपी कितना, पल्स कितना है, उनकी सबकी वीडियोग्राफी कराई है कि कल ऐसा ना हो कि एप्रीहेंशन के कारण कोई बात होती है वो कुछ भी कर ले, नाम मेरा आ जाए। तो मैंने खुद उनको बोला कि आप इसको कल्पना चावला ले। वो तो कह रहे झगड़ा आपके भाई वकील के साथ था, उसने कुछ पैसे लिए थे किसी मामले में, तलाक के मामले, वो पैसे वापस नहीं दे रहे थे जिसके कारण वो यहाँ बुलाया था। भाई शराबीर गाली गलौज की आवाज़ आई बड़ी जोर जोर से। मैं अपने ऑफिस से उठ के इधर आ देखा तो 3 लड़के हाथ में लाठियाँ थी, एक के हाथ में रोल थी, और मेरे एक साथी है रमित, मेरे यहाँ पे स्टाफ में है, कंप्यूटर पे काम करता है, तो उसको वहाँ ले जाके उसको पीट रहे थे। मैंने बीच बिचाव करने की कोशिश की तो मुझे भी धक्का मुक्की करी। जब इन द मेन टाइम शोर सुन के पूरा का पूरा स्टाफ भी आ गया, हमने भी आवाज़ें मारी, और ऊपर से ब्रदर मेरा एडवोकेट है वो आ गया। और वो गाड़ी में क्या कह रहे थे कि वो साला वकील का है, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देकर उसको आज काट के जाएंगे, छोड़ेंगे। मैं कह यार ऐसी कौन सी बात आ गई। अंदर जैसे ही वकील साहब नीचे आए हैं तो उन्होंने मेरे को भी और रमित को भी पीछे धक्का देके और वकील के पीछे वो दौड़ लिए। लठ उसने जिसने ले रखा था, 2 के 2 पहले छीन लिए थे, एक जो बड़े वाला लठ था वो पीछे करके उसके पीछे भागा तो मैंने पकड़ लिया। वो तो 2 लड़के वकील साहब के पीछे चले गए, लठ मैंने छीन के यहाँ पे डाल लिया। तीसरा आदमी जो था उसके दिमाग में ये आई कि अब तू पकड़ा गया, अकेला रहेगा, ये पूरा स्टाफ है, तो उसने दौरे का नाटक करके वो यहाँ पे लेट गया। उसको मैंने देखा सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मेरा फर्ज भी बनता है, मैं उसको अंदर इमरजेंसी रूम में लेके गया। वहाँ पे उसको मल्टीपेरा वगैरह लगा के उसके वाइटल चेक किए, थोड़ा बीपी उसका बढ़ा हुआ था। मैंने उनको पूछा भी तो उसने खुद बताया जी मेरा बीपी बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। तो मैंने उसको पानी वानी पिलाया, ऑक्सीजन लगवाई और उसके बाद वो सेटल हो गए बाहर। इन द मेन टाइम आप देखो कमाल की बात, अब तक तो मुझे वकील साहब का नहीं पता, भाई का वो पुलिस को बुलाने गए थे, अब तक वो है काम पे फोन वगैरह। और उस लड़के को हमने अंदर लेटाया उसके ट्रीट करने के लिए कि वो सेटल हो जाए। पूरे हॉस्पिटल के सामने करीबन करीबन बता रहा हूं मैं 50 आदमी और औरतें, मतलब इट वाज अ प्री प्लान। वो तो सोच के आए थे कि भाई किसी भी तरीके से जो है आज हमला भी करना है और इनको चोट भी पहुंचानी है, पूरा प्री प्लान करके उन्होंने काम किया। हमने देखा मैं यार ये भीड़ यहाँ खड़ी है और हमारी साइड, हमने फटाफट जो सारे दरवाजे बंद कराए, शटर बंद कराए। मैंने एसपी साहब को, कप्तान साहब को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी। सर कोई पहला कोई मामला चला हुआ है इनके साथ? देखो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि एक लड़का, उसकी मदर तो मेरे पास पहले भी आती, इतना प्यार प्रेम उसकी जो मदर है बहुत, मतलब बिल्कुल मेरे को भी अपने बेटे की तरह मानती है। मैं तो ऐसा मान ही नहीं सकता था कि इस परिवार का लड़का मेरे साथ ऐसा। ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई पहला मामला है, उसी की समझौते के लिए आज ही आए थे और काफी पैसा नहीं है। वो क्या था, इनका 3 दिन पहले मेरे पास फोन आया था। फोन पे इन्होंने बताया कि वकील साहब के पास हमारा केस है और उस केस का अभी ये है कि लड़की की तरफ से कोई शायद किसी का किसी के साथ कोई क्लाइंट किसी का है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट की फीस तो मैं भी लेता हूँ, पर्ची फीस कौन नहीं लेता? पैसे बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, वकील ने पैसे मार लिए हो तो यार वकील कैसे पैसे मारेगा? पैसे तो उन्होंने दिए। अगर उन्होंने वकील साहब को पैसे दिए तो बातचीत करके दिए होंगे ना। कोई किसी को, अब मैं कहूँ कैसी आ रही है जी आप मुझे 50,000 दे दो, आप क्यों मुझे दोगे? वकील की अपनी फीस होती है, वकील की अपनी गरिमा भी होती है। अगर उनको लगता है वकील मेरी लड़ाई लड़ेगा तो वो फीस भी मांगेगा। अगर फीस दे दी है, दोबारा अगर वकील फीस मांगता है तो आप डिनाई करो, आप उसी टाइम पे। आपने यहाँ किसी को बुलाया नहीं था, वो अपने आप ही मर्जी से। मैंने परसों उनको बुलाया था, परसों उनमें से एक साथी मेरे पास चाय पी के गया है, फिर उसने कहा वकील साहब यहाँ पे नहीं थे परसों। कल फिर मैंने उनको फोन किया वकील साहब के कहने पे कि भाई उनको आज बुला लेना। मैंने कहा भाई आप आज आ जाओ, बोले जी आज हम बाहर हैं, हम कल आएंगे और तरीके से आएंगे, अपने हिसाब से अपना जुगाड़ करके तरीके से आएंगे। अब हमें थोड़ी पता था कि इस तरीके से आएंगे लोग। अब क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस में? देखो सब, आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि क्राइम सिटी के अंदर ना रहे। आज मेरे हॉस्पिटल के ऊपर, अगर मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ है तो कल किसी और के ऊपर भी हो सकता है। एक बेचारा स्टाफ जो मेरे पास नौकरी करता है, उसके उसका क्या कसूर है कि उसको मारना पीटना शुरू कर दिया? आज ये शहर जो क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है, अगर इन लोगों को सबक नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे क्राइम कम होने वाला नहीं है। कानून को अपना काम बिल्कुल करना है, कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो गलत काम करते हैं। धन्यवाद।